तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो ऑन आवर YouTube चैनल बेस्ट लाइफ। तो भाई ये देख रहे हो, बाइक अपनी फुल एकदम लोडेड हो चुकी है। तीन तीन बैग है, हेलमेट है, नाइट विजन वाले गॉगल्स हैं, और मैं जा रहा हूँ अभी आदि कैलाश राइड पे, माउंट आदि कैलाश एंड ओम पर्वत की राइड पे। हम 22 लोग हैं और अपने भाई द लॉस्ट वॉइस ग्रुप के साथ जा रहे हैं। ये हमारी राइड की देखो एक बार टी शर्ट है, ये आपको दिख रही होगी। तो अब इस पर लिखा है ओम पर्वत आदि कैलाश राइड, और ये बाइक पूरी फुल रेडी है। मैं खड़ा हूँ सेक्टर 62 पे। तो अभी आर्यन भाई का वेट हो रहा है, आर्यन भाई अभी 5-10 मिनट में आ रहा है। वो जैसे ही आ जाएंगे फिर हम बाकी सब ग्रुप वालों को ज्वाइन करेंगे राजा जी हवेली पे, जो कि यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर दूर है। उनका वेट करते हैं, वो जब तक आते हैं तब तक वेट करना पड़ेगा उनका। फिर उसके बाद बाकी सब लोगों से भी मिलवाएंगे आप। बहुत लोग हैं इस बार, तो हम 22 लोग हैं और मोस्टली नए लोग हैं काफ़ी सारे। तो मिलते हैं और राइड पे आपको बाकी ग्रुप मेंबर से भी मिलवाते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राजा जी हवेली, और बाकी सब ग्रुप मेंबर सुनिश्चित भाई हमारे भाई, और रोहित भाई, अमित भाई, दिवांशु भाई, विकास भाई, प्रशांत भाई हमें सी ऑफ करने आए हैं, और दानिश भाई भी। बाकी कुछ लोग रह गए, उनका इंतजार हो रहा है। ये सारी हमारी बाइक्स लगी है लाइन में, इतनी सारी बाइक्स। मतलब पहली बार हो रहा है कि हम इतने बड़े ग्रुप के साथ जा रहे हैं। मतलब 22 लोग हैं, आप बाइक्स देख सकते हो। अभी और भी बाइक्स आना बाकी है, तीन बाइक्स और आएंगी, तीन चार बाइक्स, एक कार भी जा रही है हमारे साथ। सब लोग आ चुके हैं, बस 4-5 लोग रह गए। ये राजा जी हवेली हमारा मीटिंग पॉइंट था, ये सामने राजा जी हवेली है। यहाँ पर चाय ब्रेक लिया था हमने। ये राइड स्टार्ट होने की खुशी में एक केक कटिंग, अभी कुछ लोग चाय पी रहे हैं, आ जाएंगे सब, फिर केक कटिंग करते हैं। आओ यार, आओ इधर, आओ इधर, इधर सब लोग आ जाओ यार। हैप्पी बर्थडे टू हिमबॉक, ये राइड ऑर्गेनाइज कराई कैमरामैन सरफराज के साथ। कैमरामैन सरफराज, साइड से निकलना। ये हमारे हिमबॉक के कर्ता धर्ता विनय भाई, जिन्होंने पूरी ट्रिप प्लान की है। और किसी को अगर कहीं भी फैमिली के साथ राइड वगैरह कुछ करना हो, किसी को कहीं भी लद्दाख उत्तराखंड में कहीं भी जाना हो, कॉन्टेक्ट हिमबॉक, हम चैनल में इनका नाम छोड़ देंगे। 200 किलोमीटर से पहले अब कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। 200 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच हम चलाएंगे, उससे पहले रुकेगा नहीं कोई, ओके। कोई पीछे नहीं रहेगा, कोई ऐसे नहीं। इसमें पोजिशन ये रहेगी कि आगे दो जने रहेंगे, सचिन नागर और भिवानशु त्यागी, क्योंकि इनसे वैसे 170 से कम चलती नहीं बाइक, इससे कम स्पीड इनसे चलती नहीं, और उतनी हम चला नहीं पाएंगे। नानक मत्था गुरुद्वारे पे रुक के हम नाश्ता करेंगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट हम वहीं करेंगे, प्रसाद चके गुरुवार का आइडिया था ना। अभी सब टॉक। तो यहाँ से निकलने का प्लान हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं और आगे फ्यूल पंप के लिए लोग रुक रहे हैं, तो वहाँ पर रुकते हैं। और मेरी बाइक में तो ऐसे मैंने अभी पड़वाया था, फुल ही करा दी थी मैंने, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है पेट्रोल पड़वाने की। तो फाइनली राइड स्टार्ट हो चुकी है, और अभी राजा जी हवेली से निकले हैं हम। अपने मतलब जो हमने टाइम सोचा था उससे 1 घंटा ऑलरेडी लेट है। हमने सोचा 4:30 बजे राजा जी हवेली से हम निकल जाएंगे सब लोग, बट अभी 5 बजे तक तो सब लोग इकट्ठे ही हो पाए थे। आगे एक फ्यूल पंप ब्रेक के लिए रुके हैं, मतलब फ्यूल ब्रेक के लिए, सबको फ्यूल अप ही कराना है। तो अभी तो देखो रात हो रही है, जब दिन निकल आएगा तब वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब तक कैमरे को ऑफ करके रखते हैं, बैटरी को भी सेव कर लेते हैं। मैंने वैसे ये चीज़ वीडियो में शायद बता दी है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं आदि कैलाश यात्रा पे, और ओम पर्वत एंड पंचाचूली पीक देखने। अभी हम लोग का पहला ब्रेक अब जो होगा वो सीधा नानक मत्तर गुरुद्वारा होगा, जो कि खट्टी माँ में है। और ये त्यागी भाई अपने 650 पे एकदम मस्त क्रूज करते हुए जा रहे हैं, तो हम उनके साथ तो नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड में चलते हैं, और उनके पास 650 cc की बाइक है, तो हम उनके साथ तो नहीं चल सकते। ये आर्यन भाई, बाकी मैं यार 80-90 से ऊपर नहीं ले जाऊँगा, नॉर्मल स्पीड पर रखूँगा। टाइम हो रहा है 6:20 यार, मैं मतलब पीछे रह गया था,
मुझे लगा यार ये लोग कितनी तेजी से निकल गए, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली 90 क्रूज कर रहा था, 80 से 90 के बीच में मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। फाइनली बिना भाई और उनके फ्रेंड दीपक नेम है शायद, वो दिख गए। उन पर हिमालयन 450 है और आगे हैंकर भाई चल रहे हैं हमारे बिना भाई। और अभी थोड़ी देर में सनराइज होने वाला है, फिर धूप हो जाएगी बहुत तेज, फिर हमें धूप परेशान करेगी। बाकी मस्त अभी तक तो मुझे ये दो ही लोग दिखे हैं। बाकी वो भी हमें स्कूल के बच्चे मिल गए थे, वो बाय कर रहे थे। ये तो है यार कि राइडर्स को देख के लोग एक साथ मतलब थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, उनसे अट्रैक्ट होने का मतलब ट्राई करते हैं, मतलब उनसे एक अट्रैक्शन सा आता है उन्हें, खास तौर से बच्चे, क्योंकि हर किसी का सपना होता है यार बाइक राइड करना, घूमना। बचपन में हमारा भी था, अब हम अपने घर वालों की वजह से ये जी पा रहे हैं। उन्होंने हमें बाइक दिलाई, सब कुछ इस लायक बनाया कि हम खुद कमा के घूम सके। बचपन में हमारा भी मतलब सपना था, जब हम मूवीज देखते थे या फिर लोगों को देखते थे घूमने जाते थे बाइक से, तो हम भी चाहते थे कि हम भी घूमें ऐसे ही बड़े होके। वो हम जी रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा जीना स्टार्ट करा है हमने। अब अभी वहाँ पर देखो आपको हल्कल का पाल स्टार्ट हो रहा है ना। हम हालांकि अभी रुद्रपुर में ही हैं, यही फ़ायदा आईफोन का। अभी हम यहाँ रुक गए हैं, बिना भाई भी रुक गए और आगे दीपक भाई भी, क्योंकि आगे बारिश हो रही है। हमारे पास मतलब जो वहाँ टूर गाइड है घाटूला में, वो उसने हमें इन्फॉर्म किया है कि चंपावत वाला रूट ना पकड़ के आप टनकपुर बाय जो बाय टनकपुर जा रहा है वो रूट ना पकड़ के आप सीधा हल्द्वानी वाले रूट से अल्मोड़ा होते हुए वो रूट सेफ रहेगा, क्योंकि चंपावत वाला रूट बारिश की वजह से बंद हो जाता है। अभी पीछे बोर्ड पड़ा था वो वहाँ पर पीछे वहाँ लिखा था बरेली 79 किलोमीटर्स। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रुद्रपुर में और सामने देखो हल्के हल्के पहाड़ से दिख रहे हैं, और थोड़ा सा प्लान में चेंज है। पहले हम बाय नारंगमत खटीमा नारंगमत है चंपावत होते कुछ जा रहे थे टनकपुर से। अब हमारे पास जो हमारा टूर गाइड है उसने हमें कॉल किया है कि ऊपर बारिश हो रही है, तो वो वाला रूट ना लेके आप अल्मोड़ा वाले से आओ, वो आपको सेफ रहेगा, क्योंकि चंपावत वाले रूट पे लैंडस्लाइड होती है तो वो बंद हो जाता है रूट बारिश में। तो हम लोग वही कर रहे हैं, डी रूट कर रहे हैं, बाकी लोग आगे निकल गए जो उन्हें इन्फॉर्म करके फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे। बिना भाई के पास इन्फॉर्मेशन आई है क्योंकि ये ट्रिप को वही लीड कर रहे हैं और उन्होंने ही सब आइटनरी वगैरह प्लान किया है, होटल्स कहाँ रुकना है हमें कौन से दिन वो सब उन्होंने ही प्लान किया है। एक्चुअली उन्होंने अपनी एक टूर एंड ट्रेवल सी कंपनी मतलब स्टार्ट की है, एजेंसी टाइप हिम वॉक करके, जिसमें वो ट्रैक्स कराएंगे टूर एंड ट्रेवल्स कराएंगे। तो किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो इस चीज़ों के रिगार्डिंग तो बिना भाई से कर सकते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर और डिटेल शेयर कर दूँगा बाकी सारी। तो फाइनली पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं देखो आप, और अभी हम जा रहे हैं भीमताल की तरफ, वहाँ पर कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे रुक के। ओ भाई ये पुल बनाया गया है, पहले वो वाला पुल था मुझे याद है, ये बाद में बना था जब मैं जागेश्वर आया था तब का बता रहा हूँ मैं आपको। ये वाले पुल से हम आए थे नीचे जो है, और ये वाला पुल तब बन रहा था, तो यहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है। तो
15 मतलब 20 मिनट मान लो आप, हमें अभी लगेगा भीमताल पहुंचने में। वहीं पर सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली हम सब लोग अभी मतलब बिछड़ गए सॉरी, क्योंकि पहले हमारा पॉइंट मतलब कुछ और था तो सबको वही पता था, फिर अचानक से फ़ोन आया, तब तक उन्हें हम बताते वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे और इसलिए हम लोग सब बिछड़ गए हैं। अब वहाँ जाके फिर मिलेंगे, फिर सब एक लाइन से ही चलेंगे, सबको नंबरिंग इशू हो जाएगी, अपने अपने नंबर्स पे ही सब चलेंगे। तो भाई अभी हम रुके हैं एक लोकेशन पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट तो कर लिया आलू के पराठे, और रेस्टोरेंट के बाहर आप ये व्यू चेकआउट करो, कितना ही मस्त व्यू आ रहा है। ये आर्यन भाई फोटो क्लिक कराने के लिए आ गए, एक भाई फोन पे बिजी है घर वालों के साथ, फोटो क्लिक करना है, पैसे लगेंगे। सब चाय का मजा ले रहे हैं, यहाँ पर इसमें स्टील के ग्लास में चाय मिली है, चाय का मजा लिए जा रहा है अभी। तो अभी ब्रेकफास्ट करके तो निकल चुके हैं और अब भीमताल का क्रॉस करते हैं। अब हम सीधा रुकेंगे अल्मोड़ा वाले हाईवे पे लंच के लिए। बाकी व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है, मस्त व्यू है एकदम। भाई अभी एकदम वैली में थे हम जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो अब एकदम टॉप पर आ गए माउंटेन्स के। अभी फिर वैली में जाएंगे, फिर टॉप पर, यही होता रहेगा। इधर देखो एकदम मतलब काले काले बादल से नज़र आ रहा है मुझे तो। भाई साहब क्या व्यू है यार, बीच में नदी बह रही है एक, तो तब से इतने बड़े बड़े पहाड़ एक स्ट्रेट एकदम, और हम लोग एकदम टॉप पर आ चुके हैं। अब हम मेरे ख्याल से डाउन जाएंगे फिर से। थोड़ा सा यार ट्रैफिक तो हो गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अपने टाइम से लेट है, सुबह की भसड़ के बाद हम लोग थोड़ा लेट हो गए यार। अगर सुबह भसड़ नहीं होती तो अभी तक हम लोग मतलब पुराने ही रूट से, एक तो वो बारिश वाला सीन हो गया, अगर वो नहीं होता तो हम लोग अभी तक मेरे ख्याल से चंपा पत्त तो क्रॉस कर चुके होते। ये देखो यार फाइनली ये है भीमताल, जिसको हम अभी साइड से क्रॉस कर रहे हैं। बरसात की वजह से पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं जैकेट से जा रहा था तब इसमें इतना पानी नहीं था। काफ़ी रास्ता बीच बीच में यार ख़राब है थोड़ा, मतलब इतना वैसा नहीं है, बीच बीच में थोड़े छोटे पैचेस से आते हैं बस। और अच्छी खासी धूप हो रखी है भाई, अभी मैंने शेड्स वाला चश्मा लगा रखा है तो मुझे फील नहीं हो रहा, बट अच्छी खासी धूप है यहाँ पे। बट जब आप वैसे मैं बाइक चला रहा हूँ तो ठंडी हवा लग रही है, बट जैसे ही कहीं रुक जा रहे हैं ना तो फिर से वही धूप लगना स्टार्ट हो जा रही है। भाई रोड्स देखो यार मतलब कितने ही चौड़े, अभी देखो ये पहाड़ यहाँ से लैंडस्लाइड हुई होगी ना बारिश वगैरह में, तो सब नीचे आ रखे हैं और काफ़ी चौड़ा रोड बनेगा यहाँ तक आगे खोद रखा है, मतलब आगे तक रोड बनाएंगे। बीच बीच में बस बहुत ही मतलब हल्का सा पैच आता है जिसमें टूटा हुआ रोड होता था। देखो यहाँ पर रिवर फ्लो हो रहा, मतलब नदी बह रही है, तो कितना ही अच्छी लग रही है। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और इस नदी में, और ये सारे ऊपर लैंडस्लाइड में टूट के गिरे होंगे नीचे इस रोड पे। तो रोड जब बनाते हैं ना तब ये लोग जो रोड पहाड़ों को तोड़ते हैं वो सब नदी में ही गिरा देते हैं, कुछ बहकर भी आते हैं कुछ लैंडस्लाइड में गिरते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं अल्मोड़ा को बाईपास, अल्मोड़ा वाले बाईपास से निकल रहे हैं हम लोग, और सिटी के अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सिटी के अंदर हमारा कुछ काम नहीं है। और मतलब 6 बाइकर्स एक साथ चल रहे हैं,
कितना मजा आ रहा है, मतलब लोग भी हमें मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अगर 19 के 19 एक साथ चलती तो भाई क्या ही फील आता, एकदम बढ़िया, मतलब मस्त फील आता है, एकदम खतरनाक वाला। मतलब बाईपास पे भी मार्केट वाली ही फील आ रही है, लग रहा मार्केट पे से ही निकल रहे हैं। तो ये देखो, ये सामने बोर्ड है बृद्ध जागेश्वर 8 किलोमीटर्स, और इधर सीधा चले जाओगे तो आगे 5-6 किलोमीटर आगे पड़ेगा जागेश्वर धाम। ये देखो सामने क्या व्यू आ रहा है, मस्त पाजी भी आ गए। एक शॉर्ट ब्रेक के लिए रुक गए थे, एक शॉर्ट सा टी ब्रेक लाइक 20 मिनट्स, और सब थक भी गए थे बाइक पे बैठे बैठे, हम 5-6 लोग जो भी साथ में चल रहे अभी, इसीलिए थोड़ा सा हमने रेस्ट ले लिया। और फिर से सब एकदम मज़े करते हुए चलेंगे, और अब हम सीधा लंच के लिए रुकेंगे अगर कहीं रुके तो, वरना तो सीधा होटल शाम को। टाइम हो गया 2:37, और अभी हमारी जो लोकेशन है, मतलब डेस्टिनेशन है आज की, वो है अराउंड 150 किलोमीटर्स। क्या ही मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाते, और सामने ट्रेल्स बनी है छोटी छोटी, मज़ा आएगा उन पे अगर हम वॉक करेंगे तो, एकदम मज़ा आएगा उन पे वॉक करने में। ये आ रहे हैं भाई एकदम स्वैग में निकलते हुए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, यहाँ से हम सबका वेट कर रहे हैं, बाकी लोगों का, वो लोग पीछे हैं, तो जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि रात हो गई है तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ से सब फिर हम एक साथ जाएंगे। और अभी हमारा डिस्टेंस 100 किलोमीटर रह गया, अराउंड 100 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया, बाकी मैं, जसप्रीत भाई, रोहित भाई, दीपक भाई, आर्यन भाई सब पहुँच गए। यहाँ पे बोर्ड है कुछ, देखो ये वाला रास्ता शायद जा रहा है पिथौरागढ़ सिटी में, और ये काफ़ी बड़ी सिटी है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे क्यूज में भी क्वेश्चन आया था, है ना, हम राइड पे एकदम एग्जाम की तरह तैयारी करके आए हैं। बाकी देखो, ओ जसमीत भाई कैसी रही अभी तक की राइड? पेन पेपर लाना भूल गए। अभी तक की राइड कैसी रही? पूरे करे भाई, राइड है मस्त, बस शरीर की हालत खराब हुई पड़ी है, पूरी रात से जागे पड़े। कल रात तो नींद ही नहीं आई थी यार। रोहित भाई, रोहित भाई तो एकदम इस समय चिल मूड में है, क्योंकि बाइक पे कोई सामान नहीं है और मस्त भगा रहा है एकदम, और बाइक भी भाई को बाइक भी ऑफ रोडर मिल गई, एकदम टूरर बाइक मिल गई है। टूरर तो ऑलरेडी थी बाइक पे, भाई के पास बाइक लाइट नहीं है। हाँ यार, ये दिक्कत हो गई होगी। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, काफी लेट हो गए, तो वीडियो कुछ रिकॉर्ड की थी, उसके बाद थक गए थे। बाकी अभी देखो जहाँ हम रुके उसकी छत से नजारा, सामने पूरा बादल है, और यहाँ पर एक छोटा सा, ये है नेपाल, देखो ये स्ट्रीम सी आ रही है वाटर की, ये सामने जो जगह पहाड़ है ये है नेपाल, और ये वाटर हीटर। अच्छा, इसमें यहाँ से डालो सीधा, बताओ ये जैसे जुगाड़। अच्छा, ये अंदर अंदर ये पूरा पाइप सिस्टम बना रखा है इन्होंने शायद, उसमें आग लगा दी, पाइप गर्म हो जाता है, ऊपर ये मिलेगा आपको। नहीं है, नहीं है तो पैसे वापस। ये देखो, ये भी यहाँ पर ये पूरा बादल हो रखा है, ये जितने ये पहाड़ ही सारे नेपाल में है, वो सामने रास्ता भी नेपाल में है। और ये है धारचूला का सरकारी स्कूल, यहाँ बच्चे भी हैं। ये धारचूला पूरा गांव है, और ये है हमारे होटल का डाइनिंग एरिया, सब लोग खड़े हो गए, चाय पी रहे, दूसरा दूसरा कप है चाय का। ये पता नहीं क्या सरकारी क्वार्टर से बने, इधर भी पूरा बादल हो रखा है, और ये जो सामने रास्ता बताया था ये पूरा नेपाल है। यहीं पर देखो, वहाँ पर आपको रिवर दिख रही ना, ये हमारे होटल के जस्ट पीछे से जा रही है काली रिवर,
अभी नहीं दिख रहा क्योंकि स्कूल की वजह से वहाँ पर बह रही है।